ये हदीस को इमाम तिरमिदी और इमाम नसाई ने जमा किया है, इसकी तहकीक सही अलजाम में मौजूद है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अब्दा लयतकल्लमु बिलकलिमा, बंदा एक बात बोलता है, मिन रिद्वानिल्लाह, अल्लाह को राजी करने वाली एक बात, बहुत सारी नहीं, एक बात, ला युल्की लहा बालन, एहसास भी उसे नहीं होता, लेकिन उस एक बात की वजह से उसे दर्जात बुलंदियां मिल जाएगी। अल्लाहु अकबर। वइन्नल अब्दा, और यकीनन बंदा, लयतकल्लमु बिलकलिमा, एक बात बोलता है, मिन सख़तिल्लाही, अल्लाह को नाराज़ करने वाली, ला युल्की लहा बालन, उसे एहसास भी नहीं होता, यहवी बिहा फी जहन्नम, उस एक बात की वजह से उसे जहन्नम की आग में फेंक दिया जाएगा। और लोग कहते हैं बोलने से क्या होता है, बोलने से क्या होता है, बोलने की वजह से दर्जात और बुलंदियां भी मिलती है, और बोलने वाली एक बात की वजह से जहन्नम की आग में फेंक भी दिया जाएगा लोगों को। इस चीज़ के मुतालिक उलमा ने बताया है कि यहाँ पर वो एक बात क्या हो सकती है, वो ऐसी कोई बात जो कुफ्र वाली बात हो, जो शिर्क वाली बात हो, वो एक बात की वजह से वो इंसान जहन्नम की आग में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, अब तक ये बात तो साबित शुदा हो गई, आई होप, कि बोलने से बहुत सारी नेकियां भी मिलती है और बहुत सारे गुनाह भी होते हैं। बोलने से एक इंसान दर्जात और बुलंदियों तक भी पहुँच सकता है और जहन्नम की आग में फेंक भी दिया जाएगा।